ये जो जिम है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि फिज़िकल एक्टिविटी को समाज में प्रमोट करती है, फिज़िकल एक्टिविटी प्रमोट होने का मतलब है कि समाज से बीमारियों को दूर भगाना, समाज के लोगों को डॉक्टरों से, दवाइयों से, क्लिनिक से, अस्पताल जाने से बचाना और उनके जीवन के अंदर उनकी आयु को बढ़ाना। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई बच्चे प्ले अपरेटस पर भागा दौड़ी करें, चाहे वो आप सैर की आदत डालें, चाहे वो आप योग करने की आदत डालें, जितनी चीज़ें हैं ये सब अगर आपने आदत के रूप में अपनी ज़िंदगी में शुमार कर ली, तो और कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल तो आपकी आयु बढ़ सकती है। मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और हाई मास्ट लाइट को लगाने के पीछे भी जो है मेरी एक विशिष्ट सोच ये है कि जितना ये क्राइम होता है और उसमें भी जो हमारी महिलाओं के साथ जो क्राइम होता है, तरह तरह के, आप हम लोग दिल्ली में निर्भया जैसे कांड हम लोगों ने देखे हैं जिसके ऊपर कितना बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन समाज की तरफ से खड़ा हुआ, तो ये सारी जो कांड होते हैं ये ज़्यादातर डार्क स्पॉट्स पर होते हैं, जहाँ पर भी ये एक प्रकार से अंधेरा होता है, रोशनी की कमी होती है, वही उन्हीं डार्क स्पॉट्स पे ये सब क्राइम होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी मुझे कोई RWO की तरफ से अनुरोध आया, कॉरपोरेटर की तरफ से अनुरोध आया, या मैंने स्वयं देखा कहीं मुझे लगा, तो वहाँ पर हमने बहुत लिबरल तरीके से ये जो हाई मास्ट लाइट्स हैं, अभी नहीं कि ये अभी कोई पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद, जहाँ मैं 20 साल विधायक रहा वहाँ भी हमने हर गली पे, हर मोड़ पे, हर चौक पे इतनी लाइट्स लगाई थी कि मतलब कोई डार्क स्पॉट जैसे किसे कहते हैं कि एकदम तो टोटली एलिमिनेट कर दिया।